हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आपको हम बताने वाले हैं कि माचन कैसे करते हैं। अभी देखिए रेती फैला के हो गया है सब इधर। अब चलते हैं आगे। माचन देखिए लेवल निकाल रहे हैं अभी हम लोग। लेवल निकाल के अभी माचन करने वाले हैं थोड़े देर में। अभी सब चारों ओर से बराबर कर लें, फिर माचन देखते हैं। माचन बढ़िया होगा दोस्त लेवल निकालने से। देखिए अभी हम चारों किनारे लेवल निकाल लें, फिर से देखेंगे, फिर माचन करेंगे बढ़िया सा। लेवल नहीं निकालते हैं तो भाई माचन सही से नहीं होता है, लेवल ठीक से ही नहीं होता है यार। तो अभी हम लेवल निकाल रहे हैं, थोड़ी ही देर में माचन शुरू करने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहिए। देखिए अभी धड़ा मार रहे हैं, बाद में थोड़ी देर में ही माचन करना। देखिए बराबर से अभी थोड़े देर के लिए रुकिए, अभी हम लेवल निकाल रहे हैं हम लोग। माई इस ब्लॉग को सपोर्ट करिए भाई, चैनल को भी ऐसे ब्लॉग वीडियो देखने के लिए। लेवल निकालते समय ध्यान रहे कि इधर उधर से थोड़ा भी दिक्कत ना आए भाई साहब। एक इंची इधर उधर हो जाता है ना तो फिर फर्सी हमारी नहीं बैठती है, इसलिए माचन एकदम बराबर रहना चाहिए कट। इधर उधर से एक इंची भी ज़्यादा नहीं रहना चाहिए भाई लोग, क्योंकि दिक्कत होती है माचन फिर फर्सी बिठाने के लिए। माचन की जानकारी के लिए सबसे पहले आपको लेवल ही निकालना ज़रूरी होता है। अब चलते हैं माचन शुरू करने। अब इधर फर्सी मतलब रेती ज़्यादा जाम हो गई थी ना भाई लोग, अभी रेती थोड़ा खोद के बराबर करेंगे। सीमेंट ज़्यादा डाल दिया था ना भाई ने, और सीमेंट की वजह से ज़्यादा रेती जाम होने लगी है। बने रहिए हमारे न्यू ब्लॉग में। अभी देखते हैं बॉटम से माचन करने वाले हैं थोड़ी देर में भाई लोग। अब एकदम से सीधा पट्टी चलना चाहिए भाई, सीधा पट्टी नहीं चलेगी तो माचन सही से नहीं होगा यार। माचन के लिए पहले सबसे ज़रूरी है पट्टा भरने के लिए इधर उधर से। देखिए भाई हम माचन कर रहे हैं अभी भाई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए यार, हम लोग इतना दिन से वीडियो बना रहे हैं यार, प्लीज़ भाई सपोर्ट करो। इतना दिन हो गया यार, अभी तक कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो। देखिए माचन अभी कंप्लीट होने वाला है। इधर देखिए पहले माचन हो चुका है, माचन करने देखिए एकदम बराबर दिख रहा है, फर्सी भी बैठ जाएगी। हाँ देख ले भाई, माचन करते समय ध्यान रहे कि पट्टी एकदम सीधा चले और इधर उधर कभी ना। देखिए भाई एकदम परफेक्ट पट्टी चलना चाहिए, वरना फिर जाम हो जाएगी, फर्सी बाद में नहीं बैठेगा तो हम बहुत दिक्कत होता है यार। इसलिए सबसे ज़रूरी है माचन। टाइल बिठाने को तो कोई भी सिल लेगा टाइल बिठाने का, लेकिन पहले माचन ज़्यादा ज़रूरी है सिलने के लिए भाई। देखिए माचन हमारा कंप्लीट हो गया है, अभी थोड़े देर में हम फर्सी ठोकेंगे, लेकिन आपको सिर्फ माचन का ही जानकारी दे रहे हैं। देखिए भाई फर्सी ठोकने के लिए पहले हमारा एक 1000 व्यूज कंप्लीट करा दो भाई, प्लीज यार कंप्लीट करा दो। एक 1000 व्यूज अगर कंप्लीट करा दोगे ना भाई लोग तो हम पार्टी देंगे यूट्यूब वालों को। और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, लाइक कर। देखिए भाई कंप्लीट हो चुकी है हमारी माचन एकदम बराबर से, देख लीजिए भाई। अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए यार कैसा है, कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ठीक है कि नहीं है। ठीक नहीं होगा तो फिर दोबारा सुधार करेंगे।
बस आज के वीडियो में इतना ही भाई, सपोर्ट करो आगे वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए।